जब कोई चीज अच्छी लगे तो खुद बाखुद ही दिल पिघल जाता है। मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं होती तो मैं आज जहाँ नहीं होती। इनका नाम है पुंडे बॉय। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डीएस डिजिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ साइमा लाहौरी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम हैं रेस कोर्स पार्क में। यहां पे बहुत खूबसूरत मतलब के व्यू है, लोग आए हुए बहुत सारे। आज हम इनके साथ गपशप लगाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे और बातें करेंगे। इसके अलावा हम लोग सुनेंगे लोगों से जुकते और उनको जुकते भी मारेंगे। ठीक है, चलते हैं आज के हम लोग आज पहले क्वेश्चंस की तरफ। आइए देखते हैं हम किसके साथ सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। अजय अजय जल्दी से अजय। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे फैमिली के साथ आई है यहाँ पे? नहीं, यहाँ मेरे फ्रेंड्स ही मेरी फैमिली है। अच्छा, फ्रेंड्स ही फैमिली है। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम रावलपिंडी। नाइस। कौन सी चीज़ है जो गर्म करने से भी पिघलती नहीं है? ऐसे सवाल नहीं क्या करें मैं बहुत गर्म उबला हुआ पानी, उसको गर्म करना पड़ता है। मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं होती तो मैं आज जहाँ नहीं हूँ। You serious? थोड़ा सा तो सोचिए, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। कॉमन सेंस भी तो कॉमन नहीं है। नहीं है? आप बता दें, आप बता दें। मैं अच्छा जवाब दे दिया यार, ये बहुत तेज है, सच्ची में बहुत तेज है, कॉमन सेंस ही नहीं है इसके पास, बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस है। अच्छा बताए, थोड़ा सा आइडिया क्या बताऊँ? वो कौन सी चीज़ है जिसको पिघालने के लिए आग की या किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती? वो खुद ब खुद दिल, दिल खुद ब खुद थोड़ी ना पिघलता है। दिल आप कोई एक किसी की मुस्कान पे दिल पिघल जाता है, वो उसके लिए भी मुस्कान की जरूरत नहीं होती। तो दिल है आंटी, दिल कैसे खुद ब खुद पिघल सकता है? पिघल जाता है बेटा। कैसे? मैं आज ये लाजमी जानना चाहूंगी कि दिल कैसे खुद ब खुद पिघल सकता है। जैसे कोई चीज अच्छी लगी है तो उसको तो पिघलने के लिए तो चीज अच्छी लगनी चाहिए। जायदा अच्छी लगेगी तो दिल खुद ब खुद ही पिघल जाता है। जैसे कि कोई बच्चा अच्छा लगा, कोई आदमी अच्छा लगा, कोई घर की चीज अच्छी लगी तो दिल खुद ब खुद ही पिघल जाता है। आगे आप बता दें क्या? मुझे आप ये बताएं, वो क्या चीज है जो दिन में एक रात में दो आते हैं? चांद और सितारे। दिन में एक और रात में दो आते हैं? सोचिए जो बात है ना, मुझे दिन में एक लड़की नजर आती है, रात में दो। ऐसी जैसे आपकी आंखें है ना ड्रोनी, वैसे ही लगता है। ठीक है ना, सही सही आप बताया मुझे। यहाँ पे क्या करने आए? मैं तो पुंडी का। देखा लड़के की दिल की बात निकल आई। इनका नाम है पुंडी बॉय। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा। वो कौन सी चीज है जो तेल और लकड़ी जलाए बगैर रोशनी देती है? मोमबत्ती। नहीं, उसको भी आग लगानी पड़ती है। पत्थर। पत्थर कैसे रोशनी? पत्थर से रगड़े तो रोशनी आती है। उसको भी रगड़ने की? अच्छा, पत्थर और नहीं, एनर्जी से उसके लिए भी हमें बल्ब की जरूरत होती है। सूरज सूरज दिन को होता है, हमें रात को रोशनी चाहिए। की हाल चाल है? ठीक ठाक। आपसे क्या कह रहे हैं आप? वैसे ही इधर धूप के लिए से। धूप? इस टाइम कौन सी धूप है? 2 बजे के हैं। जादू है आप? जिम आए थे। जिम देखने आए थे, कल से जिम यूज करना। अच्छा, वो जो आगे जिम है? हाँ जी। तो वो उधर बोटिंग कर रहे हैं आप? नहीं। ओह नो। नहीं की? नहीं। क्यों? वापस जा रहे हैं। वापिस के जा रहे हैं? अभी तो मौसम मजे का होगा, आइसक्रीम का मौसम हुआ है। हम इधर से फोटोस जा रहे हैं। नाइस। कल ले? नहीं, दो हैं। दो कौन है? बात सुने सर, छोटा भैया साथ। बुला ले, लोगों ने समझना शायद मशहूर है। ओह नो। बुला ले, अल्लाह की कसम, लोगों ने नहीं समझना। उसको शर्म आ रही है। शर्म क्यों आ रही है? शर्म क्यों आ रही है तुझे? हेलो जी, ने काम करके आएगा वाकई ये कुड़ी। आप यहाँ पे क्या कर रहे? बस घूमने आए थे, जिम देखने आए थे। जिम देख लिए जी? क्या फैसला किया? कल से ज्वाइन करेंगे। नाइस। मतलब कि आप घर से यहाँ पे सिर्फ जिम के लिए आएंगे?
या पुंडी के? ओह नो, पुंडी जरूरत ही नहीं करनी थी हमने तो। इधर अच्छी खासी है, क्या हो गया सर? इधर ही तो है पुंडी। हमें कोई मिलती नहीं ना, कंडे लगे हुए हैं। कंडे लगे हुए हैं, इनको कोई मिलती नहीं है पुंडी। सितारे देती हैं, चांद देती हैं, नहीं और वो देती है, क्या कहते हैं उसको, क्या कहती है, क्या कहती है, नाम भूल गया हूं मैं। नहीं भूलना नहीं है, जोर डाल फर्स्ट में उसको, इंटे लगे रखो फर्स्ट में। देवा कहते हैं उसको, देवा। You serious? और मुझे पश्तो में डेवा कहते हैं। Yes. इसका क्या मतलब? वो जो रात को ऐसी छोटी चीज होती है मच्छर की तरह, वो रोशनी भी देती है। जुगनू। जुगनू, यस, बिल्कुल सही आंसर है इनका भी। अच्छा जी, चले जी नाजरीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का जो है टाइम ख़त्म हुआ जाता है। मुझे दे अपनी होस्ट को दे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा फिर मुलाकात होती है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।